हेलो एवरीवन, आप ये वीडियो देखो। और सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि तनिष्का ने जो किया है वो अपने आप में कमाल है। इस बार स्टेट टॉपर, गर्ल टॉपर रही है और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट में जश्न का माहौल है। बड़ी खुशी की बात है ना, आज ये टॉप कर गई है और हम सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। और दूसरी साइड में आपको बताता हूं, आप ये देखो। आज बहुत सारे स्टूडेंट है वो सुइसाइड भी कर रहा है। तो एक जगह पे जो स्टूडेंट है वो टॉप कर रहे हैं और दूसरी जगह सुइसाइड कर रहा है, राइट? आपको मैं एक एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक रिपोर्ट बताता हूं। उसके अनुसार लगभग हर घंटे एक स्टूडेंट सुइसाइड करता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी है। कि हम सक्सेस के लिए तो उसे हम बोलते हैं कि तुम पूरा मेहनत करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें टॉप करना है, ठीक है? और ऐसे लोगों को, और जब हम देखते हैं टॉप करते हैं तो हमारे पेरेंट्स होते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि ये कर गई तो तुम्हें भी करना है, ठीक है? भले उसका मन हो या ना हो, उसके उसे क्या करने की इच्छा हो, बस हम उस रेस में लग जाते हैं कि मुझे भी टॉप करना है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? अगर मान लो वो फेल हो जाता है, वो एग्जामिनेशन नहीं कर पाता है, तो वही हाईली एक्सपेक्टेशन जो परिवार ने, जो सोसाइटी में हमारे ऊपर लगा रखा है, उसका परिणाम ये होता है कि फेल हो जाने के कारण वो डिप्रेशन महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मैंने तो अपने मम्मी पापा और जो हमारा समाज ने हमारे ऊपर जो कुछ थोप रखा है, शायद मैं उसे नहीं कर पाया, शायद मैं उस लायक नहीं हूं। ये समझने लगते हैं जब फेल होते हैं, तब किसी काम को वो नहीं कर पाते तब। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज होती है, डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है, अवस्था है, जहां पर आप नहीं तो किसी के बारे में सोच पाते हो, क्योंकि डिप्रेशन के ही कारण आज बहुत ज्यादा जो सुइसाइड हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है। लगभग हर घंटे एक स्टूडेंट सुइसाइड कर रहा है। रीजन क्या है? हम सक्सेस होना तो सिखा देते हैं, लेकिन जब हम फेल हो जाए तो फेल से हम ओवरकम कैसे करें, हम उससे बाहर कैसे निकले, ये नहीं सिखाते। तो आप सफलता से पहले, आप असफलता यानी कि आप जब फेल हो जाते हो उसकी भी तैयारी आप साथ साथ कर लो। कि मान लो कि अगर उसमें सफल नहीं हो पाया तो क्या, तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एग्जामिनेशन का तैयारी करूंगा, ठीक है? तो पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, सारे जो सोसाइटी है, माता पिता है, उन्हें बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि अगर वो मान लो किसी एग्जामिनेशन में नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, वो फिर से कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कि उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, उसमें शायद वो बेटर कर पाएगा। और ये वीडियो का माध्यम था कहने का। सो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, राइट? सो आई थिंक आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।